तो गाइस बहुत खुशी की बात है कि फाइनली मेरा फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब ने सेंड कर दिया और वो मेरे बैंक अकाउंट में भी आ गया है। तो ऐसे में ना दिल कर रहा है इतनी जोर जोर से चिल्लाऊं, मतलब कि पता नहीं क्या, जैसे पागल जैसे हो जाते हैं ना वैसी जो फीलिंग आ जाती है। मतलब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो यार इतनी खुशी होती है ना फर्स्ट पेमेंट से। मतलब यार अगर आपका जिस दिन आ जाएगा ना भाई, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आप खुद को ना नाचने से नहीं रोक पाओगे, इतना ज्यादा हैप्पी आपका मूड हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपने जो भी मेहनत यूट्यूब पे की होगी ना, उसका जो फल है वो आपको मिल जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मेरा यूट्यूब का जो फर्स्ट पेमेंट है वो कितना आया है, और साथ में यार मेरे को किन किन प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ा अपना यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट लाने में, और कितना टाइम जो है मेरे को लग गया। दोस्तों इसी के ऊपर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइस मेरे को जो टाइम लगा है फर्स्ट पेमेंट लेने में वो लग गए हैं 4 महीने। मुझे पता है कि मैं बहुत ही कम टाइम बोल रहा हूँ, ऐसे में आप सोचेंगे कि मैक्सिमम 1 या 1.5 साल तो लग जाता है आजकल के टाइम पे, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि फर्स्टले भी यूट्यूब पे बहुत सारा काम कर चुका हूँ। 2011 से मैं लगभग यूट्यूब पे हूँ, और अभी आप कूल माइंड टेक को देखेंगे और अभी अवार्ड सेक्शन में जाके तो 2013 से ये भी है। तो ऐसे में मैं पहले भी बहुत से चैनल बना चुका हूँ, मतलब थक गया था एकदम से। मेरे को ऐसे लगने लगा था कि नहीं यार, मतलब यूट्यूब से पैसा वगैरह आना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे को अभी 4 महीने में, मतलब दोस्तों ये मत सोचिए कि मैंने 4 महीने में थ्रेशहोल्ड कंप्लीट कर लिया, कि ऐसे लोग भी होंगे जो 2 दिन में ही पेमेंट ला जाते हैं। बट मैं बात करूं एक टेक चैनल की, जिस तरह का मेरा कंटेंट है, तो उसमें 4 महीने में पेमेंट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट मेरा जो पेमेंट आ गया है अब आपको बताऊं कि किस तरह से आया। देखिए यूट्यूब पे सभी आपको बोलते होंगे कि लगभग दोस्तों 1 साल रुकिए, 1 साल के बाद आपका चैनल जो ग्रो करने लग पड़ेगा, या ग्रो होने में 1 साल तो लगता ही है। बट दोस्तों रियलिटी क्या होती है कि 1 साल लगता है आपके एक्सपीरियंस को, क्योंकि 1 साल के बाद आप ये समझ जाते हो कि मेरे को यूट्यूब पे किस टाइप की वीडियोस अपलोड करनी है, किस टाइप का मेरे को कंटेंट रखना है, कौन सी चीज मेरी वायरल होगी कौन सी नहीं। तो इसीलिए आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल की तरफ से सुनने को मिलता है कि 1 साल में आपका चैनल जो है वो ग्रो हो जाएगा। बट दोस्तों मेरा को जो एक्सपीरियंस है वो साल 2011 से ही साथ में था, तो ऐसे में जो है मैंने ग्रो कर लिया और 4 महीनों में फर्स्ट पेमेंट आ गया। तो दोस्तों बात करूँ पेमेंट की, तो देखिए लास्ट मंथ में $80 था लगभग। तो आपको पता है कि गूगल एडसेंस जो पेमेंट देता है तो वो $100 से ऊपर देता है, तो $80 था, तो ऐसे में मेरा पेमेंट नहीं आ रहा था। बट जैसे ही नेक्स्ट मंथ को, मतलब 14 तारीख को फिर से अपडेट हुआ और वहां पे जो है मेरा पेमेंट ऐड कर दिया गया, अब जो मेरा थ्रेशहोल्ड था वो कंप्लीट हो गया, और तो मेरे को जो है पेमेंट 21 तारीख को डायरेक्टली सेंड कर दिया गया। पहले मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे, मैंने कहा पता नहीं पेमेंट आएगा भी या नहीं आएगा, या कहीं रास्ते में कहीं लटक वटक ना जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर के साथ ऐसा भी होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पेमेंट मेरा सीधा से आ गया। और मैं आपको एक चीज बता दूं ना यार, कि लाइफ में ना पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट लेते लेते मेरे को सबसे ज्यादा खुशी क्यों हुई, क्योंकि मैं बहुत बार डिमोटिवेट हुआ हूं। मेरा भी दिल करता था कि मैं यूट्यूब छोड़ के चला जाऊं, यूट्यूब पे कोई पैसा नहीं है कुछ, मतलब लोग अलग अलग टाइप के बोलते थे, कोई बोलते थे कि गूगल एडसेंस फेक है, गूगल एडसेंस कोई पैसा नहीं देता। बट दोस्तों एक चीज बिल्कुल मैंने खुद एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको, गूगल एडसेंस आपका एक पैसा भी नहीं रखेगा, 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है। जो भी आप कमाओगे ना वहां पे, वो आपको आप तक पहुंचा देगा बहुत ही ईमानदारी के साथ, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट दोस्तों मैं डीमोटिवेट हुआ इसलिए, पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल बहुत से आए, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन भी ऑन हुआ, बट बहुत से टर्मिनेट भी किए गए। तो ऐसे में मतलब होते होते एक बंदा थक जाता है ना कि ये नहीं यार मेरे से नहीं होगा। तो मैंने जो कॉन्टेंट अपलोड किया वो कॉन्टेंट था, आप देखते हैं कि मैं जो वीडियोज देता हूँ वो देता हूँ कि यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें, टाइटल डिस्क्रिप्शन, मतलब कि एक यूट्यूबर के लिए जो भी चाहिए होता है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो ऐसे जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, तो उस दिन जब मैंने वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू इंक्रीज योर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो मुझे कमेंट में अच्छी खासी गालियां सुनने को मिली थी, और वहां पे कहा था उन लोगों ने कि पहले खुद के सब्सक्राइबर बढ़ा ले, वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही बता रहे थे। तो वो मेरी एक प्रॉब्लम थी। तो आप सोचिए कि 0 सब्सक्राइबर से लेकर अभी मैं 14,000 पे पहुंच गया हूँ, तो वहां तक मेरे को पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, यही लगे 4 या 5 महीने। बट दोस्तों ये इतना कम टाइम तभी लगा जब मेरे को एक्सपीरियंस पहले से था कि किस टाइप से हैंडल करना है, कौन सी वीडियोस अपलोड करनी है। तो वही एक्सपीरियंस जो मैं आपके सामने डे पर डे यहाँ पे शेयर करता रहा, और आपका जो प्यार है वो मेरे ऊपर बना रहा। तो इसी में जो है हमने, हमारा चैनल भी ग्रो हो गया थोड़ा बहुत, और हमको YouTube की तरफ से फर्स्ट पेमेंट भी मिल गई। पर दोस्तों डीमोटिवेट मैं बहुत बार हुआ हूँ, बहुत बार तो मैंने अपना मोबाइल साइड में रख के एंड ऐसे ही सोचा है कि मैं आज के बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, जो होना है जाए, मैं नहीं डालूंगा भाई, कुछ बनने वाला नहीं है यूट्यूब
पे। पर मैं आपको एक चीज फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे टाइम लगता है, बस एक बार दिल में सोच लो ना यार कि मेरे को कमाना है, बस मतलब यहाँ से कमाना है यूट्यूब से, और आपके अंदर जो विश्वास है ना वो कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सही बता रहा हूँ, फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बट एक बार जो आपने दिल में सोच लिया कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब पे आ सकता हूँ, अपना चैनल बना के उसको चला सकता हूँ, कभी मतलब होता ये है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत एक पेन जो होता है वो फील होता है एक बंदे को। नई वीडियोस वायरल होती, बहुत से दिन देखे हैं मैंने, 50-50, 100-100 वीडियो अपलोड करने के बाद भी उसके ऊपर व्यूज नहीं आती, इतना बुरा लगता है कि छोड़ो यूट्यूब पे टोटली लक का खेल है। मैं मानता हूँ यूट्यूब पे किस्मत का भी खेल है, बट यहाँ पे कॉन्टेंट भी किंग है दोस्तों आपका। तो अपना कॉन्टेंट सुधारिए, बस हिम्मत मत हारिए, डिमोटिवेट होने से कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे तो छोड़ दीजिए, आप लाइफ में ना जॉब के लिए इंटरव्यू दोगे या कहीं भी हार्डवर्क जब भी आपको करना है, अगर आप कहीं डिमोटिवेट हो गए ना तो मान लीजिए आप हार गए। तो बस हारना नहीं है, बस अगर आप ऐसा अंदर कहीं ना कहीं थिंकिंग है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, दोस्तों लगे रहिए यूट्यूब पे, आप यहीं पे एक अच्छे खासे जो है बढ़िया यूट्यूबर बन जाएंगे, इतनी मैं वारंटी देता हूँ। और यार बाकी तो आपका प्यार मेरे साथ चला ही हुआ है, चलिए शायद आपको थोड़ा ज़्यादा मैंने बोर कर दिया, तो आपको अभी मैं बता देता हूँ कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। आप सभी जानते हो कि गूगल एडसेंस $100 से नीचे जो है थ्रेशोल्ड जब $100 का कंप्लीट होता है तभी पेमेंट देता है, तो ऐसे में आप ये चीज़ भी जानते हो कि अपनी जो रियल अर्निंग होती है वो आपको मैं नहीं बता सकता, बट मेरी जो अर्निंग है दोस्तों वो आई है रेडमी 4 जो मोबाइल है उसके बराबर। तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपको पता होगा कि रेडमी के जो 4 मोबाइल है वो कितने का है। ये कुछ रूल हैं जिसको मैं तोड़ नहीं सकता, आप भी समझते हो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ भी कुछ इस तरह से हैं जो नए यूट्यूबर को कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। अगर ऐसे में मान लो आज मैं अपनी पूरी अर्निंग, मेरे को पता है बहुत सारे बता देते हैं क्लियर, अगर मैं पूरी अर्निंग एक्सप्लेन भी कर दूंगा तो कल को जो मेरे भाई लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी आगे वहां पे अपनी पूरी पूरी अर्निंग शो करेंगे। तो हो सकता है आजकल यूट्यूब बहुत स्ट्रिक हो रहा है तो कोई गलत एक्शन ले, तो मैं चाहता नहीं, तो इसलिए अगर आप अर्निंग देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, आपको एक्चुअली पता होगा कि रेडमी 4 का क्या प्राइस है, पर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। सो गाइस जैसे ही अर्निंग आया था ना, और मतलब कि मोबाइल एक बार जो मैसेज आ गया ना कि योर अकाउंट क्रेडिट विद, तो यार उस टाइम पे मैंने 2 मिनट के लिए ना इस तरह आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेके ना मैंने कहा वाह यार आज मतलब कर दिखाया। और मैं आपको एक बात बता दूं ना, ये सब कुछ जो हुआ है ना आपका प्यार है या आपकी सपोर्ट है। आप एक वीडियो देख रहे हो, बस आप ही देखते रहिए, साथ बने रहिए मेरे, और नेक्स्ट जो कॉन्टेंट है ना आपके लिए दोस्तों ऐसे ऐसे लाता रहूंगा बढ़िया बढ़िया, जिसमें कि आपको कोई भी मतलब ऐसे धोखाधड़ी की कोई बात नहीं है, जिससे कि आपके YouTube चैनल को कोई खतरा हो। बस जो भी मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपको सिखाता रहूंगा, अगर आप समझते हो कि मैं आपको कुछ सिखाने के काबिल हूँ तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यार अभी जो है वो पार्टी वगैरह का थोड़ा कर लेते हैं सब कुछ, आप समझ सकते हो खुद भी, क्योंकि आज फर्स्ट पेमेंट आई है जिंदगी में पहली बार खुद की कमाई से, तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब कि क्या बताऊं मैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली, भगवान करे आपका चैनल भी जल्दी जल्दी ग्रो हो और जल्दी जल्दी इस पर ढेर सारे सब्सक्राइबर आ जाएं, और जल्दी जल्दी आपको भी YouTube आपका फर्स्ट पेमेंट सेंड कर दें। तो दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।